हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप, और उस पर हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक्स में। टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज हम बातें करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, समझने वाली जो बातें हैं वो ये है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो एक्चुअल में मैंने आपको कल बता दिया था, रिलेशनशिप बताया था ना कल, तो रिलेशनशिप जब हमने बातें की थी तो वो एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन तो वही है, लेकिन कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर हमसे कोई बात करता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी चेंज हो जाती है, और उन्हीं की बातें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या क्या वो देखो आप। पहला होता है हमारे पास में ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो 9th क्लास में भी आपने थोड़ा थोड़ा देखा होगा, तो वापस से एक बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे होती क्या चीज है। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, यू प्लस ए टी। एक इक्वेशन होता है मेरे पास में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन मेरे पास में होता है विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारे पास में तीन इक्वेशंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, किस टर्म को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैक्टर है सब, यहाँ पर क्या है, वैक्टर है, तो वेलोसिटी यू ए टी सब वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी होगा, इनका साइन जो होगा वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है तो वो आपको बताया जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन करना, अदरवाइज तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल क्या होता है आपके पास में होता है यू, यू यहाँ पर हमेशा क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमेशा क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक हुआ। फिर होता है वी, वी हमेशा क्या होता है हमारे पास में, ये होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एस क्या होता है, एस होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और हमारे पास में होता है टी, तो टी आपका टाइम नहीं है, टाइम पीरियड है, क्या होता है ये टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब क्या कहना चाहते हो, कितने टाइम तक फोर्स सिस्टम में रहा। ठीक है, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, कितनी देर तक आपके फोर्स का एक्शन रहा बॉडी पे, इसकी बात करते हैं हम किसके बारे में, टी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं सब बातें। ठीक है, अच्छा यहीं पे मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये तीनों इक्वेशन जब आप बात करते हो तो ये बातें किसके लिए होती है, हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम, किसकी बात करते हो यहां पर, हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए होता है, मतलब एक्सेलरेशन सब में क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, मतलब ये जो ए लिखा है ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, यहां पर ए रह गया तो ए का एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं, ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी यहां पर। तो नंबर वन फर्स्ट डेराइव करते हैं, इक्वेशन हमें डेराइव करना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमें डेराइव करना है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान है, देखो दो दो मार्क्स के अंदर ये बोर्ड के अंदर खूब बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके जब भी आप बात करोगे 11th क्लास में एग्जाम होगा तो ये सब बातें पूछी जाती हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, और हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो हमेशा क्या होता है, डी वी डिवाइड बाय डी टी होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं वी के बारे में तो वी सॉरी डी वी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय डी टी। अगर मैं डी वी को इंटीग्रेट कर दूं किस रेंज के अंदर, तो आपने कहा सर रेंज देना पड़ेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, टी पे। तो जब टी इक्वल टू जीरो है तो बॉडी कहां पर होगा, इनिशियल। टी इक्वल टू जब टी हो जाएगा तो बॉडी कहां पर होगा, बोल फाइनल। तो आपने कहा सर जब U से कहां तक करना है, V तक, कंडीशन T इक्वल टू जीरो पे हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और T इक्वल टू कैपिटल T के ऊपर क्या बोल देंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। T इक्वल टू T भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो टी इक्वल्स टू टी भी बोल सकते हो आप, इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू टी में हो सकता है, यहाँ पर देखो कि इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो टी जो है, टी जब जीरो होगा तो बॉडी रेस्ट पे होगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी होगा, जब टी इक्वल्स टू टी हो जाएगा तो बॉडी का कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, इसको देखना है। तो इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा वी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैपिटल वी। तो कहां से कहां तक जाना है, यू से लेकर वी तक, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम है, तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया कहां से कहां तक, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक, किसके रेस्पेक्ट में, डीटी के रेस्पेक्ट में। तो आपने कहा सर यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको वी माइनस यू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। तो इक्वेशन बनाना था आपको, तो v इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, u उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया u प्लस ए टी, ठीक है। आप चाहो तो t को छोटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हो u प्लस ए टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन था, किससे सॉल्व हुआ है, किससे सॉल्व हुआ है, बेसिक इक्वेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाय डी टी। तो एक्चुअल में तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यही है, इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करते हो तो ये आपका इक्वेशन मोशन है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका बेस क्या है, तो ये बेस अगर लिखना चाहते हो तो लिखोगे ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाय डी टी, दिस इज द बेस ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपका बेस है। क्लियर सब बातें, चलो बढ़िया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। क्या है देखें जरा, देखें सेकेंड इक्वेशन हमें पता लगाना है, विच इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपने कहा सर ये है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें पता लगाना है। तो आपने कहा कैसे पता लगाएंगे, बेसिक इक्वेशन फाइंड करो जो यू और एस के कोई टर्म हो, जिसके अंदर यू और एस का कोई टर्म हो उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। तो आपने कहा सर बेसिक इक्वेशन हमें पता है पहले से, और वो होता है वी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है डी एस डिवाइड बाय डी टी, क्या होता है वी इज इक्वल टू क्या होता है डी एस डिवाइड बाय डी टी होता है। ये आपका बेसिक इक्वेशन बन गया, ये बन गया आपका बेसिक इक्वेशन बन गया। अब आप देखो इनिशियली की अगर बात करते हो, इनिशियल की अगर बात करोगे तो वही सब बातें होंगी, जब टी आपका जीरो होगा तो उस कंडीशन में आपका जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और जब टी का वैल्यू स्मॉल टी या कैपिटल टी आप रखोगे उस कंडीशन में, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एस हो जाएगा, एस इक्वल टू एस हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, स्मॉल लिख दो एस कैपिटल लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक इक्वेशन को यूज किया तो आपको मिला डी एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डी टी। आपने कहा सर इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं डीएस का, तो डीएस का इंटीग्रेशन आप कर दोगे वी का वैल्यू, पीछे वाले इक्वेशन में वी का वैल्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वो लिखा है सर वी प्लस ए टी, ठीक है। कितना लिखा है वी प्लस ए टी, और इसको किसके साथ इंटीग्रेट करोगे डी टी के साथ। तो क्या बनेगा, कहां से कहां तक जाना है, जीरो से एस तक जाना है। तो जब जीरो होगा तो टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और जब आपका ये s बनेगा तो t का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल t होगा। तो आपको मिल गया ये s इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा ut प्लस, इसको करोगे तो क्या मिलेगा ए टी स्क्वायर बाय टू आएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस सब में ये लिमिट कितना जाएगा, लिमिट आपको वापस से रखना है जीरो से लेकर कहां तक जाना है t तक। तो s वाले में भी लिमिट पुट कर दो, लिमिट कितना जाएगा जीरो से लेकर s तक। तो ये बन गया एस माइनस जीरो इज इक्वल टू, क्या बन गया आपके पास में यू टी माइनस जीरो प्लस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। बेस क्या है इसका, तो बेस की अगर बात करोगे तो आपको सर बेस है v इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाय डी टी। तो मैंने आपको कल यही बोला था कि एक्चुअल में इक्वेशन तो यही है, और हमें पता है कि v का वैल्यू हमने क्या पुट किया है, ये हमने किया है u प्लस ए टी, जो कि हमने पीछे वाले से लाया था। ये वाला इक्वेशन किसका बेस था,
ये इक्वेशन था आपका ए इज इक्वल्स टू डी वी डिवाइड बाई डी टी से आया था, ठीक है, कहाँ से आया था, ए इक्वल्स टू वी डीवी डिवाइड बाई डी टी। तो हमारे पास में दो इक्वेशन बेस आ गया, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन तो हमने कर लिया, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन की तरफ आप जब मूव करोगे तो आपको डेराइव क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने कहा सर डेराइव हमें करना है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस क्या करना है आपको टू ए एस। बात आता है इसमें किसी भी तरह से टी का टर्म नहीं है, ये पूरा इक्वेशन जो है वो टी का इंडिपेंडेंट है, टी पे इसकी कोई डिपेंडेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन इज इन डिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जब टाइम नहीं होगा क्वेश्चन में, कभी टाइम नहीं दिया होगा तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, बड़े आराम से आपको काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सब काम आप करना है। तो आपने कहा सर सारी इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन आपके पास कौन कौन सा इक्वेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो आपने कहा सर दो बेसिक इक्वेशन आ गई है मेरे पास में, कहां से आया है। आपने कहा सर एक तो एक्सेलरेशन जो कि आपका होता है डीवी डिवाइड बाय डीटी, और दूसरा जो बेसिक इक्वेशन है वो है मेरे पास में एस इज इक्वल्स टू क्या आपके पास में डीवी डीटी। इंटीग्रेशन लिखना चाहते हो तो आप सिंपल यहां पर वी लिख सकते हो जो कि हो जाएगा आपका डीएस डिवाइड बाय डीटी, तो ज्यादा आसान ही है। तो ये आपको बेसिक इक्वेशन है, इन दोनों से सोल्व करना है। अब आप देखो इसमें भी टाइम है यहां भी टाइम है, तो आप लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए और इन दोनों में टाइम का फंक्शन है, इन दोनों में तो क्या है टाइम का फंक्शन, तो क्या करें। तो आपने कहा सर थोड़ा इटरेशन कर लेते हैं, मैथमेटिकल इटरेशन है, क्या है। आपने कहा ए इज इक्वल टू होता तो है डीवी डिवाइड बाय डीटी, लेकिन अगर मैं इसको डीएस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम चीज का मल्टीप्लाई। तो आपने कहा सर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप देखोगे तो एक्सेलरेशन आपका क्या बन जाएगा वो देखो, एक तो बन जाएगा डीवी डिवाइड बाय डीएस और एक बन जाएगा आपका डीएस डिवाइड बाय डीटी। अब डीएस डिवाइड बाय डी टी क्या होता है, वी होता है। तो आपके पास में आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी एस सॉरी वी डी वी डिवाइड बाय, यहां पर क्या बन गया डीएस, क्या बन गया वी डी वी डिवाइड बाय डीएस। तो मैंने आपको कल बोला भी था लास्ट क्लास सेशन के अंदर कि आपको मैं एक टर्म बताऊंगा जिसमें एक्सेलरेशन अगर कभी स्पेस का फंक्शन बन जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ये आ गया आपका बेसिक इक्वेशन जिसको यूज करके आप उस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन को ले लो इंटीग्रेट कर दो आपका सोमल आ जाएगा, तो क्या बनेगा। आपने कहा सर ये बनेगा a मल्टीप्लाई बाय डी एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय डी वी, इंटीग्रेशन दोनों तरफ होना है और एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम तो पढ़ ही रहे हम लोग कि कहां से कहां तक जाना है। आपने कहा सर जीरो से जाएंगे कहां तक एस तक, और वेलोसिटी कहां तक होगा, जब एस जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो ही होगा, और जब सॉरी वेलोसिटी क्या होगा यू होगा, जब कोई कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो जीरो हो सकता है वो पता नहीं है कब होगा, तो वेलोसिटी कितना होगा यू होगा, और फाइनल वेलोसिटी जब एस को रीच करोगे तो कितना होगा वी होगा। तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है तो ये हो गया एस, ठीक है, और इसका लिमिट कहां तक चला गया जीरो से लेकर स्मॉल एस, विच इज इक्वल्स टू ये बन गया वी स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय टू, और लिमिट क्या चला जाएगा बेटा हमारे पास में, लिमिट चला जाएगा यू से कहां तक वी तक। दोनों इक्वेशन को सॉल्व इसको ले लो सॉल्व कर दो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास में ए मल्टीप्लाई बाय एस, मैं लिमिट पुट करूंगा एस माइनस जीरो रखोगे ना, चलो एस माइनस जीरो लिख देते हैं आपके लिए, तो एस माइनस जीरो इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट कितना है u स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 कॉमन ले लो उधर भेज दो, तो क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास बनेगा 2 a s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आपको चाहिए u को उधर भेज दो तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 a s, ठीक है। तो ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन, दो दो मार्क्स में ये इक्वेशन आपको डराइव करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक क्या है,
बेसिक इक्वेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक इक्वेशन क्या लेके चले हो, ए इज इक्वल्स टू वी डी वी डिवाइड बाय डी एस, ठीक है, ये आपका क्या है बेसिक इक्वेशन। तो तीन बेसिक इक्वेशन आ गया आपके पास में, उनको मैं लिख रहा हूं ताकि आप उसको अच्छे से ध्यान रख पाए। क्या क्या इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में आया था विच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या लिखते हो डी एस डिवाइड बाय डी टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाय डी टी, क्या होता है डी वी डिवाइड बाय डी टी। और अभी अभी इक्वेशन आया है ए इज इक्वल टू वी डी वी डिवाइड बाय डी एस, ये इक्वेशन है। तो ये तीनों आपकी क्या है बेसिक इक्वेशन है, जिनसे आपको कुछ ना कुछ एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का सिस्टम डिराइव हो जाता है। इनसे क्या डिराइव होता है, इन वाले इक्वेशन से क्या डिराइव होता है, मैं लिख रहा हूं इनके नीचे। तो यहां से आप डिराइव करते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, क्या क्या करते हो u प्लस ए टी। यहां से क्या आता है, यहां से आपके पास आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां से आपने क्या डिराइव किया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। चलो आपको मैंने कल बोला था कि एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन अगर कभी आपका फंक्शन बन जाता है, किस चीज का फंक्शन बन जाता है, स्पेस का, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक्सेलरेशन देना है किसके फंक्शन में देना है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, स्पेस। तो आपको क्वेश्चन दिया गया ए इज इक्वल टू आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, फाइंड velocity, find velocity when x is 2 meter behind, x is 2 meter given, condition दिया हुआ है x is 2 meter पे आपको velocity find out करना है, और आपको दिया है condition when body at rest on x is equals to 0, ठीक है, when body at rest on x equals to 0, कंडीशन ये है और आपको x का वैल्यू 2 मीटर पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन है वेलोसिटी फाइंड आउट करना। तो कैसे करें, इक्वेशन आप यूज करो आप ये वाला, ठीक है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन को हम अगर स्पेस के टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, आपने कहा सर लिखा जाएगा dv डिवाइड बाय ds, और a का वैल्यू कितना है x स्क्वायर, कितना है x स्क्वायर। अब स्पेस तो x y z तीनों का फंक्शन होता है, तो फिलहाल अगर लिखना चाहते हो तो वैल्यू किसका आएगा ax का, कैसे लिखोगे dv डिवाइड बाय, कैसे लिख दोगे dx, x लिखना है तो यहां स्पेस दे क्या जाएगा x आ जाएगा, तो क्या बनेगा x square multiply by dx is equals to v multiply by dv, और इंटीग्रेशन लिमिट हमें नहीं है तो कॉन्स्टेंट के मतलब फाइनाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपने कहा सर ये बन गया x cube divided by 3 plus constant is equals to v square divided by 2, ये बनेगा हमारे पास में। तो आपने कहा सर c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन में दिया है जब x का वैल्यू 0 है उस कंडीशन में आपका बॉडी रेस्ट पे है, x का वैल्यू 0 है तो बॉडी किसके ऊपर है आपका रेस्ट पे है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा c का वैल्यू 0 होगा, वैल्यू को यहां ले आए तो आपको मिलेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू x क्यूब डिवाइड बाय 3, आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 3 एक्स क्यूब। तो ये तो आ गया आपका बेसिक इक्वेशन जो कि किसका है वेलोसिटी का। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x का पर्टिकुलर मीनिंग पे फाइंड आउट करना है। तो आपने बोला सर एट x इक्वल्स टू 2 मीटर्स, x का वैल्यू जब 2 मीटर है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सबका रूट होगा है ना, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब डिवाइड बाय में क्या होगा 3। तो सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, इसको क्या कर लोगे आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे,
भैया ये लिखा हुआ 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाय में क्या रहेगा आपका अंडर रूट 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको एक्सेलरेशन इस फॉर्म में दे देता है आप ऐसे करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर स्पेस के टर्म में आ जाता है तो उसको आप इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, जब डिफरेंशियल आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल आएगा, तो वहां से ये डेरिवेशन भी आएगा कि ये कैसे डेराइव हुआ है। ठीक है, तो इन सबको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इस डेरिवेशन को याद रखें। नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।